Hey everyone, this is Sana here. So I hope you all are very well and stay home, stay safe. So last video के अंदर हमने सोलेनियम फैमिली के बारे में पढ़ा था, सॉरी सोलियासी फैमिली के बारे में पढ़ा था. तो उसमें हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, लेकिन फ्लोरल डायग्राम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिलीज़ के अंदर, वो हम अभी इस वीडियो के अंदर करेंगे. इसके लिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप बार बार उसे देख सकें. ठीक है. सो सबसे पहले तो सोलेनियम जो सोलियासी जो फैमिली है उसके अंदर सोलेनियम निग्रम यानी मकोई का प्लांट हम देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. देखिए, ए के अंदर उसकी फ्लावरिंग ट्विग है, बी के अंदर फ्लावर है, सी के अंदर फ्लावर है लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है उसका. ठीक है. डी के अंदर स्टेमन का दिखा रखा है स्ट्रक्चर, एंड ई इज द कार्पल, एंड एफ इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनियम निग्रम. ठीक है. अब कैसे होगा वो देखते हैं एक बार. सबसे पहले तो आप इसको बनाना सीख लीजिए बिल्कुल परफेक्टली जैसा ये अभी है वैसा ही, मतलब बिल्कुल भी इधर से उधर आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने हिसाब से, जो आपको दिया गया है वही. ठीक है. हमने पढ़ा था कि एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक को शो करने के लिए हम यहाँ पे एक प्लस का निशान शो करते हैं. देखिए, जस्ट फ्लोरल डायग्राम के ऊपर एक प्लस का निशान है, वो एक्टिनोमॉर्फिक को शो करता है. ठीक है. उसके बाद देखिए, जो ये ग्रीन वाला सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ग्रीन वाले जो आपको फाइव दिए हुए हैं, दीज आर शोन इन द फॉर्म ऑफ कैलिक्स, मतलब जो कैलिक्स है उसको शो कर रखा है ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें. ठीक है. कैसे शो कर रखा है कि जो कैलिक्स हैं हमने पढ़ी थी फाइव प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. देख लीजिए एक बार, लुक एट द कैलिक्स, सेपल्स फाइव, यानी सेपल्स हैं वो फाइव प्रेजेंट होती हैं और यूनाइटेड होती हैं. यूनाइटेड का मतलब क्या होता है कि जुड़े होना एक दूसरे के साथ. ठीक है. मतलब देखिए, फाइव प्रेजेंट हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जो है वो कैलिक्स शो कर रहे हैं, यानी सेपल्स हैं वो फाइव हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं डायग्राम के अंदर. ये देखिए, वो शो करता है कि ये यूनाइटेड है. उसके बाद जो वाइट वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर वाला, देखिए दिस शोज कोरोला. ठीक है. वो कोरोला को शो करता है और कितने हैं ये, फाइव, यानी पेटल्स हमारे पास फाइव हैं, यूनाइटेड हैं यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. उसके बाद इसके अंदर से जो चीज़ लटक रही है, देख सकते हो आप, एक डंबल लाइक स्ट्रक्चर है वो लटक रहा है. व्हाट इज दिस, यू कैन सी इन द डायग्राम, लुक, ये जो डंबल लाइक स्ट्रक्चर है, यू कैन सी इन द वीडियो, लुक, दीज आर शोन स्टैमन्स. ठीक है. यानी फाइव जो स्टैमन्स हैं वो शो कर रखी हैं. दिस इज एंड्रोशियम, और जो एंड्रोशियम है वो एपिपेटलस है. इसका मतलब ये है, जो ये डंबल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है, देखो ये कनेक्टेड है पेटल्स से. ठीक है. यानी सेपल्स जो है, सॉरी स्टैमन जो है वो पेटल से कनेक्टेड है. हमने पहले पढ़ा था एपिपेटलस. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. अब हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं ओवरी को. देखिए, ध्यान से देखिए एक बार ओवरी को. ओवरी के अंदर क्या है कि जो अंदर वाला पार्ट है, एक तो ओवरी जो है हमारी बायलोकुलर है, यानी टू लोक्यूल्स प्रेजेंट है. देख सकते हो आप, टू लोक्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है. उसके बाद है कि मल्टी ओव्यूल्स प्रेजेंट है, यानी बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है. तो आप देख सकते हो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, और बहुत सारे ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है. तो गायनेशियम के बारे में हमने पढ़ लिया, एंड्रोशियम के बारे में, कैलिक्स और कोरोला के बारे में हमने पढ़ लिया. ठीक है. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस डायग्राम के अंदर कोई भी एक ऐसी पॉइंट या चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप इधर से उधर बना सको, जैसे कि नॉर्मल डायग्राम्स के अंदर आप बनाते हो. ठीक है. आप जैसे ही बोटनी के अंदर अगर अपना फ्यूचर बनाते हो आफ्टर ट्वेल्थ क्लास, तो बोटनी के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ के सबके आपको फ्लोरल डायग्राम बनाने होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप कौन सा डायग्राम किसका था
भूल जाते हैं। और कई बार ये है कि अगर हमने जैसे कैलेक्स है और कोरोला है, उसको कोरोला जो है उसके अंदर ये जो दे रखा है आपको, ये कनेक्टेड नहीं किया, अगर पेटल्स को, सेपल्स को, इन सबको कनेक्टेड नहीं किया और यूनाइटेड हैं उसके अंदर, तो आपका पूरा फ्लोरल डायग्राम जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।